गुड मॉर्निंग, हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की, और ये वाला जो हमारा चैप्टर है ये सीएस एग्जीक्यूटिव फर्स्ट ग्रुप में जुरिसप्रूडेंस के नाम से हमारा जो आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रुप है, उस फर्स्ट ग्रुप में ये वाला कंसेप्ट, ये वाला चैप्टर आने वाला है जिसका नाम क्या है आपका, रजिस्ट्रेशन एक्ट। हम रजिस्ट्रेशन एक्ट को स्टार्ट करें उसके पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम समरी एक देख लेते हैं, ब्रीफ बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोविज़न यहाँ पर काम के हैं, कौन कौन से सेक्शंस काम के होने वाले हैं। राइट, चलें हम बात करें रजिस्ट्रेशन एक्ट की। और रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था 1908 में। रजिस्ट्रेशन एक्ट बात करता है अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, क्या एग्जीक्यूट किया है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है उस डॉक्यूमेंट का कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट में होगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट में, पहली बात। दूसरी बात, हमने बात करी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होगा, याद रखना ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन किया आपने उस ट्रांजेक्शन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट का हमें क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, तो लॉ ने बोला डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होगा तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन, या हम बोले तो सेक्शन नंबर 17 है और सेक्शन नंबर 18 है, ये दो सेक्शन आपको, पहले दो सेक्शन है जो आपको हमेशा याद रखना है। सेक्शन नंबर 17 में लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दी गई है, 5 से 6 तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, इन इंस्ट्रूमेंट पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना है, वो दिया है सेक्शन नंबर 17 में। राइट, और सेक्शन नंबर 18 में आपको लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिए हैं जिनके रिस्पेक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। राइट, पहले दो सेक्शन आपको याद रखना है। सेक्शन नंबर 17 टॉक्स अबाउट द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, और सेक्शन नंबर 18 में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, उसमें वो कंसेप्ट के पूरे ऑप्शनल की बात कर रहा है। राइट, सेक्शन नंबर 17। अब सेक्शन नंबर 17(2) में एक्सेप्शंस हैं। ये जो सेक्शन नंबर 17(1) है इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कहां दिए गए हैं आपके पास, 17(2) में दिए गए हैं, एक बात। सबसे पहली बात हमने क्या करी है कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होगा, ट्रांजैक्शन का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात, सेक्शन नंबर 17 में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर आपको गिफ्ट की बात करी गई है कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिली है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, कंपलसरी उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। हम रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं, रजिस्ट्रेशन हम इसलिए कराते हैं कल के दिन अगर कोई झगड़ा हुआ, कोई डिस्प्यूट मैटर हुआ, तो लीगल प्रूफ है आपके पास कि भाई ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है, आप जाके कंफर्म कर सकते हैं, लीगल एविडेंस आपको मिल जाता है उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। सेक्शन नंबर 17 में और भी 3-4 ट्रांजेक्शन है जहाँ पर बोला गया है कि अगर वैल्यू ऑफ मनी 100 रुपये से ज़्यादा हुई, यस बिल्कुल सही सुना है आपने, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई कोर्ट ने डिक्री दी है, डिक्री मतलब कोई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, और उस डॉक्यूमेंट की वैल्यू अगर 100 रुपये या उससे ज़्यादा है तो फिर कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 100 रुपये से कम है तो फिर आप सेक्शन नंबर 18 में ऑप्शनल पहुंच जाएंगे। सिर्फ फॉर एग्जांपल कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 2020 में 80 रुपये की है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन कराना है क्या, ना, 101 रुपये की है, कराना है क्या, यस, एज पर सेक्शन नंबर 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो हमने दो सेक्शन की बात करी, सेक्शन नंबर 17 में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा, सेक्शन नंबर 18 में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिए हैं जिनका ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन, आपकी इच्छा हो कराना हो कराओ, नहीं कराना हो तो मत कराओ, एक बात। सेक्शन नंबर 17(2) में एक्सेप्शंस दिए हैं 17(1) के, ये हमको बहुत ध्यान से बात रखनी है। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा, जो पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर परचेजर या सेलर,
जनरली परचेजर ही रजिस्ट्रेशन कराने वाला है, रजिस्ट्रेशन कराएगा तो स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट करेगा। हम फिर कभी देखेंगे साहब, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 है, उसके अकॉर्डिंग आप ड्यूटी का पेमेंट करो। रजिस्ट्रार चेक करेगा कि ये स्टैंप प्रॉपर है या नहीं है, एज पर स्टैंप एक्ट 1899 के अनुसार अकॉर्डिंगली वो आपके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कर देगा, रजिस्टर्ड की स्टैंप लगा देगा, तो आपका लीगली एविडेंस हो गया। एक बात, दूसरी बात, रजिस्टर्ड कराना है तो कितने महीने में? सब लॉ ने बोला 4 मंथ में, राइट। आपको 4 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। इसका मतलब मैंने किसी पर्सन को कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करी, तो लॉ ने बोला फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से 4 महीने के अंदर आपको प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना है कंपलसरी बेसिस पर। रजिस्ट्रार कुछ कुछ बुक्स रखता है अपने पास में, जिसमें वो एंट्री करते हैं, तो बुक नंबर ए बी सी वहाँ पर आएगा, वो हम बात करेंगे। बुक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 होती हैं, 5 तरह की बुक होती हैं, वो हम बात करेंगे। अगर आपने सब रजिस्ट्रार को अप्लाई करा है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए मना कर दिया, तो क्या होगा वहाँ पर? आप रजिस्ट्रार को अप्लाई कर दें, रजिस्ट्र अपील काइंड ऑफ, वहाँ पर वो आपको रेमेडी देगा। और हमको क्या पढ़ना है रजिस्ट्रेशन में? कौन व्यक्ति प्रेजेंट करेगा रजिस्ट्रेशन? याद रखना, लॉ में सिर्फ 3 ही नाम दिए हैं कि ये पर्सन प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा अगर और किसी पर्सन ने रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट हुआ है, तो वो नॉन रजिस्ट्रेशन की तरह ट्रीट होगा। हम रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं, इसकी वजह क्या है? लीगल एविडेंस की तरह साबित हो सके, कभी भविष्य में अगर कोई डिस्प्यूट होता है उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। बट ऐसे कुछ कुछ एक्सेप्शन हैं जिस केस में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर भी एज अ कोर्ट उसको लीगल एविडेंस की तरह एक्सेप्ट कर सकती है। से फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्रिमिनल मैटर है, कोई खून वगैरह हो गया किसी पर्सन का, कोई भी क्रिमिनल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल मैटर है, तो कोर्ट को पावर दी गई है लॉ में कि भले ही वो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन ना हो, देन टू आपको पावर है कि आप उस प्रॉपर्टी को एज अ एविडेंस एक्सेप्ट कर सकते हैं। चले हम शुरू करें साहब अपना रजिस्ट्रेशन एक्ट का जिक्र। बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है। रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया आपका? 1908 में रजिस्ट्रेशन एक्ट आया है। आगे इंट्रोडक्शन, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इज अ लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होगा। एक बात, रजिस्ट्रेशन मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद अ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर एंड प्रिजर्विंग ऑफ कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। रिकॉर्डिंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है उसके कंटेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब अपने पास एक प्रॉपर बुक में उसकी एंट्री हो जाएगी, विद अ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, सो कॉल्ड सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार की बात करें, और उन कॉपीज को हमको प्रिजर्व करके रखना है। वो जो हम जो रजिस्ट्री कराने जाते हैं प्रॉपर्टी की, तो एक सेट वहाँ पर वो रख लेता है रजिस्ट्रार, वो कॉपीज की हम बात कर रहे हैं, आपको प्रिजर्व रखना है। द ऑब्जेक्ट एंड द पर्पस ऑफ द एक्ट टू गिव नोटिस, याद रखना, अगर मैंने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा लिया तो मैंने पब्लिक एट लार्ज को नोटिस दे दिया कि ये प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ। अगर कल के दिन कोई दूसरा पर्सन उसी प्रॉपर्टी को सेल कर देता है, तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में होगा, एक्चुअल ओनर तो मैं ही होने वाला हूँ। गिव नोटिस टू द वर्ल्ड, किसको नोटिस दिया है? दैट सच अ डॉक्यूमेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड एंड टू सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इट्स एग्जिस्टेंस, राइट। चल तो यहाँ तक हमने ओवरऑल इंट्रो की बात करी है कि सब रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का होता है। एक बात, जो भी कंटेंट है उसको रिकॉर्ड करेगा रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, उसकी कॉपीज को प्रिजर्व करेगा, और ऑब्जेक्ट क्या है? पब्लिक एट लार्ज को, वर्ल्ड को नोटिस देने के लिए कि इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं और कोई नहीं है। चल थ्योरी कंसेप्ट देखें हम, क्या है हमारे पास वो हम बात करते हैं, शुरू करें आगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करें, रजिस्ट्रेशन एक्ट का इंट्रोडक्शन की बात करें, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इंटर एलिया इंश्योर्स एट प्रॉपर प्रिजर्वेशन एंड रिकॉर्ड। द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इज द लॉ रिलेटिंग टू
रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन इज ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड नॉट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। साहब रजिस्ट्रेशन किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट का होता है, ट्रांजेक्शन का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट फॉर दिस पर्पस, राइट। हर डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है वहाँ पर। द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट केम इन टू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1909। कब आया था ये? सब 1909 में आया था, 1 जनवरी से। अब यहाँ पर लिखा है कि सब ये एक्सटेंड कहाँ होता है? होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना 370 कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 370 हट चुका है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो लॉ ने बोला है इस वाले केस में। अब ये वाला एक्ट किस पर भी लगेगा? पूरे के पूरे इंडिया पे, इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और आपके लद्दाख में वहाँ पर भी ये एक्ट लगने वाला है। हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, ना कि जो सिर्फ बुक में लिखा है वो। आगे फिर कंपलसरी डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दो डॉक्यूमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कितने क्लासेस में हैं? दो क्लासेस में। सेक्शन नंबर 17 में वो डॉक्यूमेंट्स दिए रखे हैं जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, और सेक्शन नंबर 18 में उन डॉक्यूमेंट्स की बात करी है जो ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है जिनका, राइट। चले तो ये तो हमने सेक्शन याद कर लिए, दो सेक्शन याद हो गया हमें। सेक्शन नंबर 17 में कंपलसरी हो गया और सेक्शन नंबर 18 में ऑप्शनल हो गया। याद रखना एग्ज़ाम में जो भी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाले ये है कॉन्सेप्ट, हर लॉ में इन्फेक्ट होगा, मैक्सिमम लॉ में ये कॉन्सेप्ट होने वाला है। वहाँ पर आप एक लाइन ज़रूर लिख कर आएँ कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 हैज़ बिन रिवोक्ड, नाउ दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ओवर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर भी लगेगा, और लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर भी लगेगा। ऐसा एग्जाम में एक लाइन लिख कर आए, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। चल सेक्शन नंबर 17 में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरिंग कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है हम वो बात कर रहे हैं। पहला गिफ्ट, अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट दिया है, अगर आपने कोई गिफ्ट दिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो कंपलसरी उसका रजिस्ट्रेशन होगा, एक बात। दूसरा, अगर कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ध्यान से, टेस्टामेंट्री क्या होता है? टेस्टामेंट्री मतलब ट्रांसफर बाय विल। ऐसे इंस्ट्रूमेंट टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय विल। वसीयत के थ्रू जो ट्रांसफर होते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनको हम बोलते हैं टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, राइट। और यहाँ पर शब्द क्या लिखा है? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो विल के द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होते हैं उनको छोड़कर सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग राइट्स डेट इज सेल डीड, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डेट, फॉर एग्जाम्पल लोन एग्रीमेंट करा है, या इंस्ट्रूमेंट कन्वेइंग वेस्टेड कॉन्टेजन इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, कॉन्टेजन इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और याद रखना ये सारी चीज़ें जो भी है, वैल्यू कितनी होना चाहिए? सब 100 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर कोई सेल डीड एग्जीक्यूट कर रहे हों इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, 100 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू होना चाहिए। कोई भी लोन की बात करी है, लोन की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 100 रुपये से ज़्यादा की। लीज डीड, लीज डीड की बात करें सब आपकी, लीज डीड ऑफ फॉलोइंग, अगर कोई ईयर टू ईयर, सब रेंट एग्रीमेंट बनता है 11 मंथ का, क्यों बनता है? क्योंकि अगर वो पूरे साल भर का बन गया तो सेक्शन नंबर 17 विल अट्रैक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट ओवर दिस एग्रीमेंट, और वहाँ पर बोला गया है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास में। अभी तो 100 रुपये 500 रुपये के ऊपर हम अपना रेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं, बट यहाँ पर अगर आपका लीज डीड जो ईयर टू ईयर हो गई है, या इट इज़ फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर तो बात है, या इफ़ इट रिजर्व्स अ ईयरली रेंट, तीनों में से कोई भी पॉइंट अगर आपके ऊपर लग गया, सेक्शन नंबर 17 विल अट्रैक्ट, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बहुत ध्यान से।
A document other than a will through which one person authorizes another person to adopt his son. अगर आपको son को adopt करना है तो law ने बोला है आपको compulsory जिस document के through आप adopt करने जा रहे हैं compulsory आपको क्या करना पड़ेगा registration act में registered कराना पड़ेगा section number कौन सा है आपका 17 की हमने बात की है चलो सेक्शन नंबर 17 की बात करें कंपलसरी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या आएगा डॉक्यूमेंट्स ऑफ व्हिच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी सेक्शन नंबर 17 1 की जिक्र है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी रजिस्टर्ड नेमली पहला वाला इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अदर नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट व्हिच पर्पोट्स और ऑपरेट्स टू क्रिएट डिक्लेयर assign, limit, extinguish, whether in present or in future any right, आपका कोई right बढ़ रहा है, खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, या title or interest, whether vested or contingent, of the value of 100 rupees, आपका कितना है, 100 रुपए या इससे ज़्यादा की हमने बात करी है, and upwards to a immovable property, एक बात, right, कितनी है यहाँ पर? 100 रुपए या उससे ज्यादा ये अमाउंट में अमाउंट 100 रुपए से ज्यादा का होना चाहिए राइट चलें सेकंड सी वाला पॉइंट नॉन टेस्टामेंट इंस्ट्रूमेंट व्हिच एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ एनी पेमेंट ऑफ अ कंसीडरेशन और एन अमाउंट कितना है आपका वह ये वाली चीज है लिस्ट ऑफ सॉरी लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट वो हमने बात करी है कोई भी डिक्री या ऑर्डर किसी कोर्ट का दिया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में लोने वाला वैल्यू कितनी होना चाहिए 100 रुपए या ज्यादा तो ये पांच तरह के डॉक्यूमेंट्स पांच तरह के आपने अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा ही प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट एग्जम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एनी लीज हम किसी भी लीज को एग्जम्प्ट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट द टर्म्स ग्रांटेड बाय व्हिच डू नॉट एक्सीड 5 इयर्स एंड द एनुअल रेंट रिजर्व by which does not exceed 50 rupees, right? ये वैसे आज के दिन में ये point relevant नहीं है हमारे पास, चल। तो हमने देखे हैं कौन-कौन से transaction, किन-किन का registration होना चाहिए, वो हमने बात कर ली है यहाँ तक, right? चल। आगे हमारे पास section number 17.2 है, जो exception है, किसका 17.1 का, मतलब compulsory registration है, इन सारे documents का, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है पहला एनी कंपोजिशन डीड फॉर एग्जांपल एवरी डीड द एसेंस ऑफ व्हिच कंपोजिशन इज पार्टनरशिप डीड अगर कोई पार्टनरशिप डीड हमने ऑलरेडी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है आप चाहो तो करा लो नहीं चाहो तो मत कराओ एनी एंडोर्समेंट एंडोर्समेंट मतलब ट्रांसफर करना अपॉन और ट्रांसफर ऑफ एनी डिबेंचर अगर आप कोई डिबेंचर को एंडोर्समेंट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी उस डॉक्यूमेंट का आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है एनी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर्स इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है क्योंकि ये आरओसी के पास रजिस्टर्ड होते हैं राइट एनी डिग्री और कोर्ट ऑफ ऑर्डर एनी डिबेंचर इशूड बाय एनी सच कंपनी एनी ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होता है और गवर्नमेंट कब देगा जनरली जब कंपलसरी एक्विजिशन होता है आपकी प्रॉपर्टी का तब हम बात करें ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू नॉन टेस्टामेंट इंस्ट्रूमेंट कितने रुपए की वैल्यू से कम है 100 रुपए से कम है ऑर्डर मेड अंडर द चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 उसकी बात करी है या एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन मेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर तो ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है और ये कहाँ दिया गया है सेक्शन नंबर 17.2 में जो एक्सेप्शन है 17.1 का राइट चलें
डॉक्यूमेंट इज नॉट कंपलसरी अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट. तो यहाँ पर बोला गया डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर कौन सा है 17(2). सेक्शन 17(1)(b) and (c) प्रोवाइड्स दैट नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट देयर इन मस्ट बी रजिस्टर्ड बट सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 17(2). दीज आर एज फॉलोज. पहला, एनी कंपोजिशन डीड, एवरी डीड इन द इसेंस ऑफ विच इज कंपोजिशन, वो बात करी है. और एनी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर्स इन द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वो बात की है. एनी डिबेंचर इशूड बाय एनी कंपनी, ये बात की है हमने. एनी एंडोर्समेंट अपॉन और ट्रांसफर ऑफ एनी डिबेंचर, ये हमने बात करी है. एनी डॉक्यूमेंट अदर देन द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन 17(1)(a) क्रिएटिंग मेयरली अ राइट टू ऑब्टेन अनदर डॉक्यूमेंट विच विल वेन एग्जीक्यूट क्रिएट डिक्लेयर असाइन और एनी राइट और इंटरेस्ट, ये हमने बात करी है. कोई भी कोर्ट की डिक्री ऑर्डर आती है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसके द्वारा दिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा. कोई भी पार्टीशन मेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, वो पॉइंट है वहाँ पर. एंड एनी ऑर्डर ग्रांटिंग अ लोन, अगर कोई ऑर्डर दिया गया है जिसमें आपको लोन मिल रहा है. और इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी ग्रांटेड अंडर द लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट 1871 और लैंड इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट 1883. एनी ऑर्डर ग्रांटिंग लोन मेड अंडर द एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट फॉर सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ लोन, ये सारे ट्रांजेक्शन हैं. चैरिटेबल एंडोमेंट की बात करी है. एंड एनी एंडोर्समेंट ऑफ मॉर्टगेज डीड एक्नॉलेजिंग द पेमेंट ऑफ एनी होल और एनी पार्ट ऑफ द मॉर्टगेज मनी एनी अदर रिसिप्ट फॉर पेमेंट ऑफ मनी ड्यू अंडर अ मॉर्टगेज व्हेन द रिसिप्ट डज नॉट पर्पस टू एक्सटिंग्विश द मॉर्टगेज और एनी सर्टिफिकेट ऑफ अ सेल ग्रांटेड टू द परचेजर ऑफ एनी प्रॉपर्टी सोल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी बाय सिविल और रेवेन्यू ऑफिसर की हमने बात करी है. तो ये सारे पॉइंट्स में हमने क्या बात करी है कि आपको 17(2) होगा कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है. सेक्शन नंबर 17 टॉक्स अबाउट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात. एक्सेप्शन कहाँ है 17(2) में है. एंड सेक्शन नंबर 18 में ऐसे डॉक्यूमेंट की बात करी गई है जिनका रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है. पहला, नॉन टेस्टामेंट इंस्ट्रूमेंट 100 रुपये से कम वैल्यू का है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. डिक्लेयर असाइन 100 रुपये से कम वैल्यू का है, मतलब जैसे 17(1) में जो सेक्शन है उनका जस्ट उल्टा कर दें, 100 रुपये से कम 100 रुपये से कम. Which acknowledges the receipt or payment of any consideration of amount less than 100, 100 रुपये से कम 100 रुपये से कम 100 रुपये से कम. या फिर अगर कोई लीज है और वो 1 साल से कम की है तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, बहुत ध्यान से एक कंसेप्ट. या 17(1) के एक्सेप्शन में कवर है, मतलब सेक्शन नंबर 17(2) के ट्रांजेक्शन को यहाँ पर ले लें. या वसीयत की बात करी गई है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है. सेक्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, सेक्शन नंबर है 18 की हमने बात की है. डॉक्यूमेंट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, सेक्शन नंबर कौन सा है 18 है. एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मे बी रजिस्टर्ड नेमली, देखो यहाँ पर 100 रुपये से कम की वैल्यू की बात करी है. इंस्ट्रूमेंट एक्नोलेजिंग द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन डिक्लेरेशन असाइनमेंट लिमिटेशन एक्सटेंशन ऑफ एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट. लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 1 साल से कम है. इंस्ट्रूमेंट डिक्री वाला पॉइंट है जहाँ पर वैल्यू लेस देन 100 है. इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल विच पर्पस और ऑपरेट्स टू क्रिएट डिक्लेयर असाइन लिमिट और एक्सटिंग्विश एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी. विल की बात करी है. एनी अदर डॉक्यूमेंट जो सेक्शन नंबर 17 में नहीं आते हैं वो 18 में आ जाएंगे, मतलब 17(2) का एक्सेप्शन भी यहाँ हम एग्जाम में लिख सकते हैं. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं, राइट, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आया. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर कंपलसरी रजिस्टर्ड और अंडर और नॉट द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. पहला पॉइंट, लीज एग्रीमेंट फॉर टेनेंसी ऑफ अ रेजिडेंशियल फ्लैट फॉर 1 ईयर ओनली
राइट, क्या इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है क्या? याद रखना, एक साल के लिए है तो ज़रूरी नहीं है, एक्सीडिंग वन ईयर है तो फिर कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू लीज एग्रीमेंट फॉर टेनेंसी ऑफ अ रेजिडेंशियल फ्लैट फॉर वन ईयर इज नॉट कंपलसरी, ओनली वर्ड है। अगर ये एक्सीडिंग वन ईयर होता तो 17 से हिट कर जाता। लीज एग्रीमेंट फॉर वन ईयर कंटेनिंग एन ऑप्शन टू टेनेंट टू रिन्यू इट फॉर फर्दर पीरियड ऑफ वन ईयर और एनी अदर टर्म नॉट कंपल्सरी एट इज अ लीज फॉर अ टर्म एक्सीडिंग वन ईयर, नॉट अ लीज फॉर अ टर्म एक साल से ज़्यादा वाली नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लीज एग्रीमेंट एक्सीडिंग वन ईयर, यस। लीज एग्रीमेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, यस। लीज एग्रीमेंट फॉर वन ईयर विद द एनुअल रिजर्व रेंट, यस। रजिस्ट्रेशन ऑफ लीज एग्रीमेंट फॉर वन ईयर विद द एनुअल रिजर्व इज नॉट कंपल्सरी। अच्छा, ये एक साल के लिए है, यहाँ का आंसर नो होगा। फिफ्थ वाले में फॉर वन ईयर की बात करी गई है, और वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना तो हमने बात कर ली है, सेक्शन नंबर 18 से हिट होता है कि ऑप्शनल होता है रजिस्ट्रेशन कराना। चल, ये तो हुआ हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसा, जो क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकंड क्वेश्चन, बाय एन एग्रीमेंट ए ट्रांसफर टू बी अ डिग्री ऑफ अ कोर्ट। एग्रीमेंट हुआ, ए ने ट्रांसफर कर दिया किसको, बी को, अ डिग्री ऑफ अ कोर्ट बाय विच ही वॉज एंटाइटल्ड टू पजेस 500 बीघाज ऑफ लैंड। उसको कितना अधिकार था, 500 बीघा जमीन का अधिकार था। इज इट नेसेसरी टू रजिस्टर सच अ ट्रांसफर अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, द डॉक्यूमेंट ऑफ विच, एक मिनट, आपने कितना ट्रांसफर कर दिया, अब इसकी वैल्यू अगर 100 रुपये से ज़्यादा है तो बिल्कुल होगा। द डॉक्यूमेंट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी आ लिस्ट आउट इन सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट एज पर सेक्शन 17(1)(e) नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और एनी अवार्ड टू क्रिएट इंटरेस्ट आर रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड। हेंस ट्रांसफर ऑफ अ डिग्री ऑफ अ कोर्ट बाय ए टू बी विल हैव टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड, और कंपल्सरी रजिस्टर्ड मतलब सेक्शन नंबर 17 लग गया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोविजन पढ़ेंगे, प्रोविजन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास तो उस क्वेश्चन का भी हम जिक्र करेंगे। स्टेट वेदर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ गिफ्ट कंपल्सरी अगेंस्ट डोनर विशेज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम और आफ्टर हिज लाइफ टाइम और आफ्टर हिज डेथ इज इफेक्टिव। Whether a donor can revoke the gift on the ground that the gift is not complete until the deed is registered. It was held in Kalyana Sundaram versus Karuappa AIR that while registration is a necessary solemnity for the enforcement of a gift of immovable property, उन्होंने बोला साहब registration जरूरी है, it does not suspend the gift until registration actually take place, that is when the instrument of gift हैज़ बीन हैंडेड ओवर बाय द डोनर टू द डोनी। अगर हमने किसको दे दिया, डोनर ने डोनी को दे दिया, एंड एक्सेप्टेड बाय हिम, किसने एक्सेप्ट कर लिया, डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया, द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब डोनर की बात करें, द फॉर्मर हैज़ डन एवरीथिंग इन हिज पावर टू कम्प्लीट द डोनेशन एंड टू मेक इट इफेक्टिव एंड इफ इट इज प्रेजेंटेड बाय द पर्सन हैविंग नेसेसरी इंटरेस्ट विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड द रजिस्टर मस्ट रजिस्टर इट। रजिस्ट्रार को रजिस्टर करना ही पड़ेगा। नीदर डेथ नॉर द एक्सप्रेस रिवोकेशन बाय द डोनर इज अ ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड दूसरी जो कंडीशन हैं वो सब फुलफिल होना चाहिए। सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अमित एग्जीक्यूटेड अ गिफ्ट डीड इन हिज लाइफ टाइम फेवर ऑफ भारत। द गिफ्ट डीड वॉज नॉट रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अमित। भारत आफ्टर डेथ ऑफ अमित की डेथ होगी उसके बाद प्रेजेंटेड द गिफ्ट डीड बिफोर द रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशन। राकेश ब्रदर ऑफ अमित रेज्ड एन ऑब्जेक्शन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट डीड ऑन ग्राउंड ऑफ फेक सिग्नेचर ऑफ द अमित बट द विटनेस टू द गिफ्ट डीड कंटेनेड द सिग्नेचर्स were made before him by the donor at the execution of gift deed. Whether the gift deed will be treated valid for registration under the yes. In this case, the donor dies.
बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑन डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट मे बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर हिज डेथ एंड इफ रजिस्टर्ड विल हैव द सेम इफेक्ट, जैसे कि उसी ओनर ने प्रेजेंट किया था फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन. क्वेश्चन नंबर 5. तोमर हैज डोनेटेड अ पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू हिज मेजर सन विजय. एक टी ने अपनी एक प्रॉपर्टी, मेजर प्रॉपर्टी वी को दे दी. बिफोर द इंस्ट्रूमेंट कुड बी रजिस्टर्ड, टी की डेथ हो गई, तोमर की डेथ हो गई. बाय वर्च्यू ऑफ द विल इन फेवर ऑफ मिसेस तोमर, शी डिजायर्स टू रिवोक द गिफ्ट टू डब्लू एज द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड. बराबर है, ये विजय होगा. Will Vijay succeed in gifting from Tomar? Yes. Succeed होगा क्या? Yes. Vijay will succeed in retaining the gift. आपको gift का पूरा अधिकार है. चलो. Next concept है हमारे पास और इसमें याद रखना है आपको 4 months. सारे cases में एक ही हल्ला मिलेगा और वो काहे का है आपका 4 महीने का. Document should be submitted for presented for registration 4 months from the date of its execution. जब से आपने साइन किया है, जब से आपने वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किया है, तब से 4 महीने में प्रेजेंट करना है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए. डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट कैन बी सबमिटेड 4 months फ्रॉम द डेट इट बिकम्स फाइनल. जैसे ही अगर कोई प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई डिसीजन आया है तो भी 4 महीने का टाइम है. If document is executed by several person, अगर several person मतलब एक property के एक से ज़्यादा co-owner हैं, 2, 3, 4 at different time, तो लॉ ने बोला जिस person ने जब property sale करी तब से 4-4 महीने से. For example एक घर है उसमें 4 भाई हैं A, B, C, D. तो लॉ ने बोला जिसने जब से property, for example 1 जनवरी को दिया, 2 फरवरी को दिया, 1 मार्च को दिया और 1 अप्रैल को दिया, तो यहाँ से 4 महीने, यहाँ से 4 महीने, यहाँ से सबके 4-4 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन से आएगा. रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो इस डिले को एक्सटेंड कर सकता है अप टू अ पीरियड ऑफ 4 मंथ, प्रोवाइडेड आपके पास सफिशेंट कॉज होना चाहिए कि ये 4 महीने में आप रजिस्ट्रेशन कराने क्यों नहीं आ पाए. अगर डॉक्यूमेंट इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट करा गया है तो लॉ ने बोला वो डॉक्यूमेंट से, फॉर एग्जांपल वो एग्जीक्यूट हुआ है मई 2019 में, तो लॉ ने बोला वो डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम इंडिया में जब आ रहा है 1.5 साल के बाद आया वो दिसंबर 2020 में, राइट. लॉ ने बोला जब भी वो आया है इंस्ट्रूमेंट तब से आपको 4 मंथ में उसका रजिस्ट्रेशन कराना है. इट कैन बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 4 मंथ, कब से, फ्रॉम इट्स अराइवल इन इंडिया, इंडिया में जब आया है तब से 4 महीने में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, राइट. चल, टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन नंबर ये है हमारे पास 23 की बात करी है. कितने महीने में? 4 मंथ में. डिक्री है तो 4 महीने में. सेवरल पर्सन है तो ईच एग्जीक्यूशन से 4 महीने में. सेक्शन नंबर 25 बेहद इंपॉर्टेंट प्रोविजन. वेयर डिले इन प्रेजेंटेशन इज अनअवॉइडेबल, अवॉइडेबल नहीं है. इफ ओइंग टू द अर्जेंट नेसेसिटी और अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट एनी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड और अ कॉपी ऑफ अ डिक्री और अ ऑर्डर मेड इन इंडिया इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 4 मंथ द रजिस्ट्रार में रजिस्टर द डॉक्यूमेंट इन नेक्स्ट 4 मंथ ऑन पेमेंट ऑफ अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 10 टाइम्स. आपसे कितना फाइन लेगा वो 10 गुना से ज़्यादा नहीं ले सकता है. और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा है आउटसाइड इंडिया तो लॉ ने बोला जब वो आ रहा है इंडिया में तब आपको देना पड़ेगा. सेक्शन 27 डील्स विद द प्रेजेंटेशन ऑफ विल और विल कब प्रेजेंट करना है आपको? एट एनी टाइम, जब आपका मन हो आप वसीयत को प्रेजेंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. चले, ये हो गया हमारे पास वसीयत वाला कॉन्सेप्ट, राइट. चलो क्वेश्चंस देखें हम.
डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट ऑन 2 जनवरी 2015 को, कब एग्जीक्यूट किया है, 2 जनवरी 2015 को, वॉज प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 31 अगस्त को दिया, लगभग 7 से 8 महीने बाद। द रजिस्टरिंग अथॉरिटी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज टाइम बार्ड। टाइम बार्ड की बात करिए, सेक्शन नंबर 25 लगा देंगे हम कि सब आपको 10 गुना तक का मैक्सिमम फाइन लेकर आप उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जो बात कर रहा है 4 महीने की, सेक्शन नंबर 25 लग जाएगा, राइट। चलो, मिस्टर राजन हैज एग्जीक्यूटेड अ सेल डॉक्यूमेंट आउटसाइड इंडिया ऑन 2 जनवरी 2017, कब एग्जीक्यूट करा, 2 जनवरी 2017 को। ही केम टू इंडिया ऑन, ध्यान से, 2 जनवरी को हमने एग्जीक्यूट करा आउटसाइड इंडिया, कोई दिक्कत नहीं। हमारा प्रोविजन क्या बोलता है, जब वो इंडिया में आ गया हो तब से 4 महीना। ही केम टू इंडिया ऑन 6 जून 2018 एंड प्रेजेंटेड द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम, कब से काउंट करना है हमको, 6 तारीख से, राइट, जब से वो इंडिया में आया है। क्वेश्चन नंबर 9, अ डॉक्यूमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, इट वॉज प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर द लैप्स ऑफ 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अराइवल इन इंडिया, वेदर द डॉक्यूमेंट मे बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार, यस एक्सेप्ट करेगा, पेनल्टी भरवाएगा, मैक्सिमम 10 गुना, इससे ज़्यादा नहीं भरवा सकता वो। यहाँ तक हमने बात करी है कि कौन से वाले केस में क्या होने वाला है, ये हमने बात कर ली है। चल, थैंक यू।